स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैंटीन से व्हीकल कैसे परचेज कर सकते हैं, साथ ही अगर आप BH नंबर लेना चाहते हैं तो उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में लाइव व्हीकल परचेज करके दिखाऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्हीकल परचेज करने के लिए आपको अपने मोबाइल या PC में afd.csdindia.gov.in की वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको अपने ID से यहाँ पर लॉगिन करना है। अगर आपके पास ID नहीं है तो आप हमारी दूसरी वीडियो देखकर ID बना सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। आप यहां से 4-व्हीलर या 2-व्हीलर जो खरीदना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस सर्च बॉक्स से सर्च भी कर सकते हैं। मुझे एक्टिवा स्कूटी परचेज करनी है, इसलिए मैं यहाँ एक्टिवा स्कूटी पर जाकर एड टू कार्ट पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। आपको यहाँ पर प्राइस जोन के कॉलम में स्टेट सेलेक्ट करना है जहाँ से आप व्हीकल खरीदना चाहते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ डीलर के कॉलम में आपके स्टेट में जो जो डीलर हैं वो दिखा देगा। आपको यहाँ से डीलर सेलेक्ट करना है जिस डीलर से आप व्हीकल लेना चाहते हैं। इसके बाद आपको डिपो के ऑप्शन में डिपो सेलेक्ट करना है जहाँ से आप व्हीकल लेना चाहते हैं। URC के कॉलम में आपको यहाँ पर कैंटीन सेलेक्ट करनी है जहाँ से आप अपना सप्लाई ऑर्डर कलेक्ट करना चाहते हैं। ध्यान रहे कैंटीन से सप्लाई ऑर्डर लेने के लिए आपको खुद ही जाना पड़ेगा। सभी कॉलम भरने के बाद आपको यहाँ पर व्हीकल का प्राइस दिखा देगा। ध्यान रहे यहाँ पर दिखाए गए इस प्राइस के अलावा आपको शोरूम में रोड टैक्स, इंश्योरेंस अमाउंट और एसेसरीज का अमाउंट अलग से देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ चेकआउट पर क्लिक करना है। यहाँ से इस नोटिफिकेशन को बंद कर देना है। ये नोटिफिकेशन लोन से व्हीकल खरीदने पर अप्लीकेबल है। इसमें लिखा है अगर आप लोन से व्हीकल खरीदते हैं तो आपको अप्रूवल मिलने के बाद ही लोन का अमाउंट CSD के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इसके बाद आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। आपको यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको एड्रेस फॉर रजिस्ट्रेशन का कॉलम दिखाई देगा। आपको यहाँ पर आपके उस एड्रेस को एंटर करना है जिस स्टेट से आप व्हीकल ले रहे हैं। यहाँ पर आपको सिटी भरना है और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड भरना है। इसके बाद आपको यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डिड यू परचेज AFD1 आइटम सेम कैटेगरी अर्लियर फ्रॉम CSD का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपने पहले कभी सेम कैटेगरी यानी अभी आप 4-व्हीलर ले रहे हैं और पहले भी 4-व्हीलर लिया है, या फिर अभी 2-व्हीलर ले रहे हैं और पहले भी 2-व्हीलर लिया है, तो यस सेलेक्ट करना है। अगर आपने पहले सेम कैटेगरी में कोई व्हीकल नहीं लिया है या फिर आपने पहले कभी CSD से कोई भी व्हीकल नहीं लिया है तो आपको यहां पर नो सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहां पर अपना पे लेवल भरना है। पे लेवल भरने के बाद आपको यहाँ पैन कॉपी में अपने पैन कार्ड की कॉपी अपलोड करनी है। यहाँ पर आपको अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट के कॉलम में अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट आप शोरूम में जाकर या शोरूम में कॉल कर ले सकते हैं। अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट आप रेफरेंस के लिए अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपने लोन लिया है तो आपको यहाँ हैव यू टेकन लोन में यह सेलेक्ट करना है और यहाँ पर लोन की डिटेल्स एंटर करनी है। अगर आपने लोन नहीं लिया है तो आपको यहाँ पर नो सेलेक्ट करना है। यहाँ से मोड ऑफ पेमेंट में ऑनलाइन सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप कोई भी पेमेंट मोड चूज कर सकते हैं जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं। ध्यान रहे अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको 500 से 600 रुपए की कन्वीनियंस फीस एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, और अगर आप UPI नेट बैंकिंग NEFT से पेमेंट करते हैं तो आपको कोई भी कन्वीनियंस फीस नहीं लगेगी। मैं UPI से पेमेंट करूंगा इसलिए मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया है। इसके बाद आपको यहाँ बैंक अकाउंट होल्डर का नाम भरना है और यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है जिससे आप पेमेंट करेंगे। ध्यान रहे आपको पेमेंट केवल उस व्यक्ति के अकाउंट से ही करनी है जिस व्यक्ति के नाम पर ग्रोसरी कार्ड है, नहीं तो आपकी डिमांड रिजेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ से अंडरटेकिंग के चेक बॉक्स को टिक करना है और यहाँ जनरेट डिमांड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ से आपकी भरी हुई डिटेल्स को चेक करना है और नीचे स्क्रॉल करके सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ से ओके पर क्लिक करना है। ओके करते ही आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। पहले जब आप ओके करते थे तो आपके पास सीधा पेमेंट का ऑप्शन आ जाता था और पेमेंट करते ही आपकी डिमांड प्लेस हो जाती थी। अभी 1 दिसंबर 2023 से पेमेंट प्रोसेस में चेंज किया गया है।
अभी आप यहाँ डिमांड में जाकर या रिसेंट डिमांड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। आपको यहाँ पर स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल दिखाएगा और यहाँ पर अमाउंट पेड में भी जीरो दिखाएगा, क्योंकि अभी डिमांड पहले अप्रूवल के लिए जाती है और अप्रूव होने के बाद यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आता है। 2 से 3 दिन में आपकी डिमांड अप्रूव हो जाती है। डिमांड अप्रूव होने के बाद आपको अपनी आईडी लॉगिन करनी है। यहाँ से मेन्यू में जाकर डिमांड प्लेस पर क्लिक करना है। आप देखेंगे कि आपका स्टेटस वेटिंग फॉर अप्रूवल की जगह पेंडिंग पेमेंट में चेंज हो गया है और आपके पास यहाँ पर पे का ऑप्शन भी आ गया है। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे पर क्लिक करना है, यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है और इन दोनों में से कोई भी पेमेंट गेटवे चूज करना है। यहाँ से अंडरटेकिंग के चेकबॉक्स को टिक करना है और पे फॉर ऑर्डर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ से पेमेंट मेथड चूज करना है जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर फ़ोनपे से पेमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको अपनी UPI ID भरनी है और यहाँ से पे नाउ पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं UPI से पेमेंट करने पर कोई भी कन्वीनियंस चार्ज नहीं लग रहा है। यहाँ से आपको कंटिन्यू एंड पे पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपनी UPI ऐप ओपन करनी है और उसमें आए नोटिफिकेशन पर क्लिक करके पेमेंट करनी है। पेमेंट करते ही आपकी पेमेंट सक्सेसफुल दिखा देगा और आपके पास ये पेज आ जाएगा। आपको यहाँ पर रिसेंट डिमांड या डिमांड्स पर क्लिक करना है। पेमेंट होते ही आपका स्टेटस यहाँ पर पेमेंट पेंडिंग से प्रोसेसिंग में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर जीरो की जगह आपका पे किया गया अमाउंट दिखाने लग जाएगा। पेमेंट होने के बाद 3 से 4 वर्किंग दिन में आपकी पेमेंट कंफर्म हो जाएगी और आपका स्टेटस यहां पर प्रोसेसिंग से सप्लाई ऑर्डर रिलीज में चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपको यहां सम रिसीट पर क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। सम रिसीट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको उस कैंटीन में जाना है जिस कैंटीन से आपने व्हीकल बुक किया है। कैंटीन से सप्लाई ऑर्डर लेने के लिए आपको अपने साथ में सम रिसीट का प्रिंट, पैन कार्ड, ग्रोसरी कार्ड और अपना आईडी कार्ड लेकर जाना है। कैंटीन में आपकी डिटेल्स चेक करने के बाद आपको सप्लाई ऑर्डर दे दिया जाएगा। सप्लाई ऑर्डर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ध्यान रहे, आप केवल ग्रोसरी कार्ड से ही व्हीकल खरीद सकते हैं और अगर आपका ग्रोसरी कार्ड एक्सपायर हो गया है तो आप व्हीकल नहीं खरीद सकते। कैंटीन से व्हीकल लेने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है और आप 2-व्हीलर का 4 साल तक और 4-व्हीलर का 5 साल तक रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर नहीं कर सकते। सप्लाई ऑर्डर लेने के बाद आपको उस शोरूम में जाना है जिस शोरूम से आपने व्हीकल बुक किया है। आपको शोरूम में सप्लाई ऑर्डर के साथ में अपना एड्रेस प्रूफ भी लेकर जाना है। शोरूम में आपसे रोड टैक्स और इंश्योरेंस का अमाउंट अलग से लिया जाएगा। शोरूम से एसेसरीज लेना कंपलसरी नहीं है। अगर आप शोरूम से एसेसरीज लेते हैं तो आपको उसका भी अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर आप BH नंबर लेना चाहते हैं तो आपको एड्रेस प्रूफ और सप्लाई ऑर्डर के अलावा ये फॉर्म भरकर अपने ऑफिस से साइन करवा कर शोरूम में लेके जाना है। ये फॉर्म आपको शोरूम में मिल जाएगा। आप शोरूम में कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि आपको BH नंबर लेना है और आप मोबाइल पर इस फॉर्म को मंगवा सकते हैं। BH नंबर लेने का ये फ़ायदा है कि आप व्हीकल को किसी भी स्टेट में लेकर जा सकते हैं और आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। साथ ही आपको रोड टैक्स एक साथ नहीं भरना पड़ेगा और नॉर्मल नंबर के कंपेरिजन में आपको कम टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि BH नंबर में आपको रोड टैक्स हर 2 साल में भरना पड़ता है और ये टैक्स आपके व्हीकल की उस समय की वैल्यू के ऊपर ही लगता है। कंपैरिजन के लिए आप BH नंबर और नॉर्मल नंबर में रोड टैक्स देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको व्हीकल लेने में कोई भी दिक्कत आती है या आपका कोई सवाल है तो आप बिना झिझक कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा। जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।